बर्फ से ढकी उपमंडल संगड़ाही वादियों तथा सड़कों पर जुटी सैलानियों की भीड़। दूसरे दिन भी स्नोफॉल जारी होने के चलते केवल संगड़ाह से 10 किलोमीटर आगे तक जा पा रही है गाड़ियां। बर्फीली सड़कों पर ड्राइविंग का रिस्क उठाने से बड़ा वाहन हादसों का अंदेशा। बर्फ से ढकी उपमंडल संगड़ाह की सड़कों, घासनियों अथवा वादियों में रविवार को पड़ोसी राज्यों और अन्य क्षेत्रों के सैलानियों तथा बर्फ देखने आए लोगों की काफी भीड़भाड़ देखी गई। क्षेत्र में हालांकि सबसे ज्यादा वाहन हरियाणा के देखे गए, मगर इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तराखंड के नंबर वाले वाहनों के साथ साथ सिरमौर के ही पौंटा व नाहन आदि क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोग बर्फ देखने पहुंच रहे हैं। रविवार को क्षेत्र में बाहरी इलाकों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और इनमें से कुछ चालकों द्वारा बर्फीली सड़कों पर ड्राइविंग का जोखिम भी उठाया जा रहा है, जिसके चलते वाहन हादसों का अंदेशा बढ़ गया है। गौरतलब है कि 2 सप्ताह के भीतर क्षेत्र में हुए एक बाइक व पिकअप हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है और आमतौर पर सर्दियों में यहाँ सामान्य से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते दिखते हैं। बसड्डा चौक संगड़ाह में मौजूद पुलिस सहायता कक्ष में हालांकि रविवार को भी आम दिनों की तरह 2 होमगार्ड के जवान तैनात दिखे, मगर बर्फीली सड़कों पर हादसे रोकने के लिए पुलिस, रोड सेफ्टी क्लब अथवा प्रशासन द्वारा अब तक कोई एहतियातन उपाय अथवा जागरूकता गतिविधियां अमल में लाया जाना शेष है। उपमंडल के हरिपुर धार, नौरा धार व गत्ता धार में हिमपात के चलते सड़कें बंद होने से जानकारी के अनुसार 100 से अधिक गाड़ियां फंस चुकी है, जिनमें से काफी वाहन कल बर्फ देखने आए सैलानियों अथवा बाहरी क्षेत्र के लोगों के बताए जा रहे हैं। संगड़ा हरिपुर धार चौपाल, नौरा धार हरिपुर धार, संगड़ा नौरा धार व संगड़ा गत्ता धार शिलाई मार्ग पर बर्फ से प्रभावित सड़कों के आसपास की वादियां अथवा घासनियां जो आम दिनों में वीरान रहती थी, इन दिनों पर्यटकों से भरी हुई दिख रही है और काफी संख्या में लोग यहां सेल्फी लेते और मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि अब तक NH अथवा राज्य उच्च मार्ग से वंचित क्षेत्र में हालांकि सड़कों में सुधार के साथ साथ पर्यटन विकास को लेकर भी कोई संतोषजनक प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हुए हैं, मगर इसके बावजूद पिछले 2 दशकों से लगातार यहां बर्फ देखने आने वाले सैलानियों अथवा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यटन मानचित्र पर मौजूद हिमाचल के मशहूर पर्यटक स्थल मनाली व शिमला की तरह यहां होटल व अन्य मूलभूत सुविधाएं ज्यादा महंगी नहीं है, जिसके चलते पड़ोसी राज्यों के मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी कम बजट में यहां बर्फ देखने पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा से बाइक पर भी काफी लोग बर्फ देखने पहुंचते हैं और इन दिनों इलाके में तापमान 0 डिग्री के आसपास होने अथवा बर्फ व बारिश से सड़क पर फिसलन होने के चलते दोपहिया वाहन चलाना यहां काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है। बहरहाल रविवार तक क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोग बर्फ देखने पहुंच चुके हैं। बर्फीली सड़कों पर ड्राइविंग करना काफी जोखिम भरा साबित हो सकता है।